वेलकम बैक टू द मैथ फॉर इयर्स। आप लोगों के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। आप लोगों को याद होगा, अगर मैं सही, आप लोग अपडेट रहते हैं मेरे चैनल से या किसी भी अन्य चैनल से, ठीक है, जो कि आपका साथी हो, हर एक चीज़ आपको ऑफिशियल तरीके से समझाता हूँ, चीज़ें जो जायज हो वो बात करता हूँ, ये नहीं कि जो है आपको गुमराह किया जाए, है ना। कई बार मेरा भी विरोध होता है, मैं मानता हूँ कुछ लोग हैं अराजक तत्व, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ओवरऑल अपना देखता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो, आप समझें इस चीज़ को। चुनाव से पूर्व शिक्षक भर्ती के संबंध में कमेटी का गठन हुआ, आपको याद होगा, ठीक है, जो IAS अधिकारी मुकुल सिंघल थे उनकी, मतलब उन्हीं की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई थी कि भाई ब्यौरा देगी कितने क्या पद खाली। जो लोग पहली बार चैनल पर आए तो दोस्त चैनल से जुड़ जाएं, आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक है। कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई, ठीक। अब उनका हो क्या रहा, आज की आज खबर देख लीजिएगा। मुकुल सिंघल समेत 5 IAS अफसर आज होंगे रिटायर। जिस बंदे को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, उस कमेटी का सारी चीजें हुई, वो अब रिटायरमेंट भी ले लिया, उस कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई, क्या हुआ, और जो लोग हैं, है ना, इसे भक्त कहेंगे या कुछ भी कह दें उनको, वो जब भी कमेटी बनी थी तो बोले कि अरे ये तो कमेटी बन गई, अब तो भर्ती आ जाए। तो ये यार सरकार जो है ना, गुमराह करने का काम कर रही है, यूथ को कहीं ना कहीं बांध के रखने का काम कर रही है, और गुमराह बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है आप लोगों को। एक लेखपाल की वैकेंसी में वो 400 रुपये ले रहे हैं फॉर्म फीस के, 185, फिर 25, फिर 200 रुपये ANM की भर्ती में, आप लोग देख लीजिए। तो उसी तरीके से कुछ ये भी चल रहा है ना। तो आप देख लीजिएगा, 5 IAS अधिकारी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। बताइए, आज 30 है, आज ही निवृत्त होंगे, ये देखिए सचिव समिति में कार्यालय भी 30, बताइए ये खेल चल रहा है। आपको सोच के देखिए, कमेटी बनती है, मुख्यमंत्री का आदेश, मुख्यमंत्री की बातों को लोग बहुत सीरियस से लेते हैं, कह दो तो अभी कहेंगे अरे बोला है तो वो हो जाएगा उनका कहा। आप देख लीजिए ना, ये भी तो रिपोर्ट बनी थी, कमेटी क्या हुआ, कहाँ गए वो IAS अधिकारी जिसकी अध्यक्षता में बनती, वो खत्म भी हो गया। तो ये चीज़ें चल रही है यार, जब तक जमीनी स्तर पर कुछ चीज़ें ना हो, मैं किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ये स्थिति होगी, इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है युवाओं को, ठीक है। चलिए, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ। ये अपडेट आप लोग समझ लीजिए, क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग में चाहे माध्यमिक शिक्षा, और ये जो अखबार और इन सब में निकलता है, इनका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा होता है, ठीक है। ये चल रहा है, इसी के बहाने युवाओं को गुमराह करके रखा जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो।